सुजानगढ़ शहर के बस स्टैंड पर जाट समाज के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी के छापों का विरोध जताया है। पार्षद हितेश चाकड़, जाट नेता बनवारी गुरु मनोज गुलेरिया सहित अनेक लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसान नेता गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव के समय में ईडी के माध्यम से टारगेट करने का विरोध जताया। सभी ने डोटासरा के पक्ष में नारेबाजी की और पीएम का पुतला फूंक दिया। इस दौरान जाट समाज के बलराम खिलेरी, सुनील गोदारा, विवेक भुगालिया, खेवाराम जुकिया, सोहन गोदारा, कानाराम जाट, वीरेंद्र, फारसद इस्माइल खां, लियाकत खां सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने नारेबाजी की। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से घबराई हुई है कि आज हमारे किसानों के नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को बार बार टारगेट करके और ईडी उनके घर पर भेजी जा रही है, जिसको हमारा जाट समाज और किसान समाज कभी भी इस चीज को सहन नहीं करेगा। और हमने आज यहाँ एकत्रित होकर इसी चीज को जो टारगेट कर रहे हैं बार बार गोविंद सिंह डोटासरा को, उसका विरोध प्रदर्शन किया है और नरेंद्र मोदी का यहाँ पे पुतला जलाया गया है। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से किसानों के नेता बन रहे हैं और एकत्रित उनके नेतृत्व में किसान एकत्रित होकर और कांग्रेस पार्टी को वोट देने का मन यहाँ राजस्थान में बनाया है और उसी माहौल को खराब करने का प्रयास बार बार ईडी के द्वारा इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध हमने आज यहाँ पे किया। लंबे समय से यहाँ अपनी उम्मीदें देखने के बाद उन्हें लगा कि हम किसी भी हालत में यहाँ सफल नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग तरीके से टारगेट करके वो निशाना बनाया जा रहे हैं। वैसे मुख्य टारगेट उनका किसान वर्ग है, पहले सड़कों में बिठाए रखा, फिर किसानों के बेटियों को सड़कों पर घसीटा, उसके बाद में एक किसान पुत्र को 4 साल तक काम पर लेने के बाद में जब मौका आया तो पद से हटा दिया गया। लेकिन यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी में एक दिलेर व्यक्ति है जो खुलकर बोलता है, बेदाग छवि का है, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी हालत में ये सहन नहीं करेंगे और पुरजोर उसका विरोध करेंगे। सुजानगढ़ में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश मुख्य संयोजक धर्मेंद्र कीलका के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रमेश कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आम चुनाव के वक्त ईडी के छापों की कार्रवाई का विरोध जाहिर किया गया और ईडी के छापों की कार्रवाई को रोके जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते वक्त एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल, डॉक्टर कनीदान चारण, राम नारायण सारण, नवीन डूडी, रंजीत सिंह भारी, बाबूलाल बोहरा, नरेश सीमल, मनीराम महिया, प्रदीप महिया, भागीरथ गुलेरिया, सईद खान मेव, रफीक खान, अरमान खान, गोपाल सैनी, नारायण सिंह, श्रवण सिंह सहित अनेक लोग राष्ट्रीय जाट महासभा का मैं प्रदेश संयोजक हूँ राजस्थान का, और राष्ट्रीय जाट महासभा के बैनर तले ही आज ज्ञापन दिया गया है। जो हमारे किसान नेता है गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनके खिलाफ द्वेषतापूर्ण रंजिश पूर्वक एक जो कार्रवाई की जा रही है एक तरफा, वो सरासर गलत है। ईडी द्वारा ये केंद्र सरकार ने बहुत गलत निर्णय लिया है, अभी उनको ये निर्णय वापस लेना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, इन सभी साथियों के साथ। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना लगातार 6 सूत्री मांगों को लेकर 642वें दिन भी जारी रहा। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि जिले की घोषणा को मूर्त रूप दिए जाने, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खेतों को नहरी पानी से जोड़े जाने सहित कुल 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी है। इस दौरान कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, जगदेव बेड़ा, महेंद्र गुलेरिया, विनोद शर्मा, साबिर अली चौहान, मुमताज काजी, सुमेर सिंह दैया, महेश शर्मा, बुधाराम गुलेरिया, रोशन खां, महावीर मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि सिंचाई के लिए नहरी पानी क्षेत्र में आएगा तो किसान साल भर कृषि कार्य कर पाएंगे और उत्पादन में काफी बढ़ोतरी होगी और बारिश पर निर्भरता कम होगी।